गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एस के गवर्नमेंट कॉलेज सीकर। आज की क्लास में अपन जो अपना टॉपिक कंटिन्यूस चल रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनकी कार्यकारी शक्तियों के बारे में। गत कक्षा में अपन ने उनकी विधायी शक्तियाँ और कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। विधायी शक्तियों के बारे में अपन ने देखा था कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उनको कानून से संबंध में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। अमेरिकी कांग्रेस जो भी नए कानून नियम बनाती है उनके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून का रूप ले पाते हैं। अगर वह चाहे तो कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए कांग्रेस को लौटा सकता है। इसके बाद अपन ने दूसरा जो इसकी कार्य व शक्ति देखा था वो था कार्यपालिका संबंधी शक्ति व कार्य। इसमें था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति है वो विदेशों में अपने देश का नेतृत्व करता है, अमेरिका की विदेश नीति का वह निर्धारण करता है और कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते वह सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों का निर्देशन भी करता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है और उनको उनके पद से भी वो हटा सकता है। इसके बाद अपन देखेंगे कि अगला जो पॉइंट है वो है कि उसको राष्ट्रपति को क्षमा दान करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत दुनिया के दूसरे राज्यों के शासनाध्यक्षों की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति को भी क्षमा दान का अधिकार प्राप्त है। वह अपनी इस शक्ति के तहत किसी को भी दंडित कर सकता है, क्षमा कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया गया है उसको भी राष्ट्रपति को स्थगित करने का अधिकार है। एक तरह के अपराधियों की सजा प्राप्त व्यक्तियों को भी वो सामूहिक क्षमादान भी दे सकता है, लेकिन इसके संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर कुछ प्रतिबंध हैं। वो इस प्रकार हैं, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता जो महाभियोग के द्वारा दंडित हुआ है। दूसरा, वह उन्हीं प्रकरणों में अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है जिसमें अपराध अमेरिका के संघीय कानूनों के विरुद्ध किया हो, न कि राजकीय कानूनों के विरुद्ध। तो इस प्रकार क्षमादान का अधिकार तो उनको प्राप्त है, लेकिन उसके साथ साथ उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि उनको न्याय के क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। तो वित्तीय शक्तियों में अगर हम चर्चा करें तो संविधान ने वित्तीय शक्तियों के संबंध में कांग्रेस को एक शक्तिशाली सदन बनाया, परंतु व्यवहार में अब अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया है। आय व्यय का वार्षिक जो बजट है वो राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है और वही बजट को कांग्रेस से पारित भी करवाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्त के क्षेत्र में राष्ट्रपति को काफ़ी शक्तियां प्राप्त हैं। अगले जो इनकी शक्ति की चर्चा हम करेंगे वो हैं जुडिशियरी पावर्स, कि न्यायिक शक्तियां जो उनको क्या प्राप्त हैं। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्होंने महाभियोग में दंडित किया गया है उनको क्षमादान दे सकता है। इन चीज़ों के बारे में अपन चर्चा है वो पहले कर चुके हैं। इसके बाद में अपन लेंगे कि इसके कार्य शक्तियों के अंदर जो राष्ट्रपति है वो वैदेशिक संबंधों का संचालन भी करता है। अमेरिका की विदेश नीति व उसके परिणामों की पूरी जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर है। वह विदेशी राजदूतों की नियुक्ति की स्वीकृति देता है। अमेरिका के जो भी दूसरे देशों के अंदर राजदूत अपॉइंट किए जाते हैं उनकी परमिशन है वो राष्ट्रपति से ही लेनी होती है और वही उनको अंतिम रूप देता है। और वह विदेशों से विविध प्रकार के समझौते व संधियां करता है। उसके द्वारा की गई संधियों का पुष्टिकरण सीनेट के द्वारा होना आवश्यक होता है। हालांकि सीनेट राष्ट्रपति के द्वारा की हुई सभी संधियों का अक्सर से पुष्टि कर देती है। इस तरह विदेशों के संबंध के संचालन के बारे में जो शक्तियां हैं उसके अंदर राष्ट्रपति की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। इसके अलावा एक हम इनकी कार्य शक्तियों में देख सकते हैं कि वह दल के नेता के रूप में भी कार्य करता है।
राष्ट्रपति अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है, उसके परामर्श से अपने दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों को भी वो भरता है। जो भी राजनीतिक दल से वह चुनकर आता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर दो राजनीतिक दल महत्वपूर्ण हैं जिसके बारे में अपन ने गत कक्षाओं के अंदर डिस्कस किया था, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक। तो उन राजनीतिक दलों के अंदर भी जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उन पदों के लिए नियुक्ति है वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। दल के नेता के रूप में वह अपने दल के सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस पर नियंत्रण भी वो रखता है। कांग्रेस, जिसको कि हम संसद कहते हैं, अमेरिका के अंदर संसद को कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है, तो उसके ऊपर भी वो कंट्रोल है अपने राजनीतिक दल के माध्यम से रखता है। अगली जो हम इसकी चर्चा करेंगे शक्तियों की, वो हैं संकटकालीन शक्तियाँ व कार्य। अमेरिका के संविधान में संकटकालीन शक्तियों का वर्णन नहीं है, किंतु अमेरिका अनेक संकटों से गुजरा है, अतः कांग्रेस के सहयोग से विभिन्न राष्ट्रपतियों ने अनेक शक्तियों को प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने गृह के समय कहा था कि उसका मुख्य उद्देश्य विद्रोह को दबाना है। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख को भी स्थगित कर दिया था। हालांकि जैसे भारत के अंदर ये जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं उनका काफ़ी अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है धारा 352, 356 और 360 कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अमेरिका में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी जब भी अमेरिका के ऊपर संकट आता है तो राष्ट्रपति कुछ इस तरह के निर्णय लेता है जिसके अंदर उसकी जो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और एक जो अंतिम हम इसकी शक्ति की या कार्य की चर्चा कर सकते हैं वो है राष्ट्रीय नेता के रूप में। संपूर्ण देश का नेता होने के कारण उसके पीछे देश के बहुमत की शक्ति होती है, क्योंकि पूरे देश की जनता है वो निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है और निर्वाचक मंडल फिर एक राष्ट्रपति को चुनता है। तो इस तरह पूरी जनता की आवाज़ के रूप में वो अपना काम करता है, क्योंकि पूरी जनता की शक्ति उसके साथ होती है। समस्त राष्ट्रों ने उसे निर्वाचित किया है और उसे ध्यान रहता है कि अमरीकी राष्ट्र का अन्य कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं है, केवल उसका उद्घोष ही राष्ट्रीय होता है। वो पूरी जनता के लिए अमेरिका का जो राष्ट्रपति का पद है वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू स्टूडेंट्स।